दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री इतनी ग्लैमरस है कि हर कोई यहाँ अपना सिक्का आजमाना चाहता है। हालांकि कुछ कलाकार तो यहाँ टिक जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि किस व्यक्ति की किस्मत कब पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और ऐसा ही हुआ है बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई कलाकारों के साथ, जिन्होंने भले ही अपनी फैमिली से लड़ाई झगड़े करके फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम रखा हो और एक समय में इनकी फिल्में ब्लॉक ऑफिस पर खूब सुपरहिट रही हूँ, लेकिन पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स से लड़ाई झगड़ा करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने का इनका ये डिसीजन कुछ ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और कुछ समय तक सफल रहने के बाद इन कलाकारों का करियर अचानक ही खत्म हो गया, जिसके चलते ना तो ये फिल्म इंडस्ट्री में सफल रहे और ना ही फैमिली मेंबर्स के सामने अपनी एक सफल इमेज बनाने में कामयाब रहे। तो इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ ऐसे ही चुनिंदा अभिनेताओं से रूबरू कराएंगे जो ना घर के रहे और ना घाट के। तो चलिए जानते हैं कौन है वो अभिनेता। नंबर वन, इमरान खान। साल 2008 में आई फिल्म जाने तू या जाने ना में अपनी दमदार अदाकारी का जलवा बिखेर चुके अभिनेता इमरान खान ने यूं तो अपनी एक्टिंग करियर में वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2 और आई हेट लव स्टोरी जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है, लेकिन इनका एक्टर बनने का डिसीजन उतना सफल नहीं रहा जितना कि इन्होंने उम्मीद की थी। इमरान खान ने एक्टिंग की दुनिया को अपनी मर्जी से अपनाया था, जबकि इनकी फैमिली मेंबर्स इसके अगेंस्ट थे, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान एक्टिंग की दुनिया में सफलता पाने में नाकामयाब रहे और साथ ही ये फैमिली मेंबर्स के सामने भी एक खास पहचान बनाने में असफल रहे। नंबर टू, गोविंदा। इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि 80 और 90 के दशक के मशहूर अभिनेता गोविंदा आज एक सफल बिजनेसमैन कहे जाते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि अभिनेता गोविंदा ने भले ही 120 से ज्यादा फिल्मों में काम किया हो, लेकिन इनकी यह सफलता कुछ सालों तक ही रही थी और साल 2014 में आई फिल्म हैप्पी एंडिंग के बाद से ही इनकी एक्टिंग की सफलता ने भी अपना रुख मोड़ लिया था, जिसके चलते आज गोविंदा दर्शकों के सिर्फ यादों में ही बरकरार है। नंबर थ्री, उदय चोपड़ा। धूम 2 और मोहब्बतें जैसी बॉलीवुड फिल्मों के साथ साथ ग्रेस ऑफ मोनैको जैसी हॉलीवुड फिल्मों में नजर आए अभिनेता उदय चोपड़ा ने अपने एक्टिंग करियर में महज 18 ही फिल्मों में काम किया है। हालांकि आपको लगता होगा कि उदय चोपड़ा ने फिल्म इंडस्ट्री इसलिए ज्वाइन की क्योंकि इनके भाई आदित्य चोपड़ा फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बता दें कि उदय चोपड़ा के भाई आदित्य चोपड़ा नहीं चाहते थे कि उनके भाई फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम रखें, लेकिन उदय चोपड़ा ने अपने भाई की बात को इग्नोर करते हुए फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की। लेकिन उदय चोपड़ा फिल्म इंडस्ट्री में वो नाम कमाने में नाकामयाब रहे जो इनके भाई आदित्य चोपड़ा ने कमाया है, और एक यही वजह है कि आज ना तो ये फिल्म इंडस्ट्री में सफल अभिनेता कहे जाते हैं और इनके भाई के सामने इनकी इमेज भी काफी फीकी पड़ चुकी है। नंबर फोर, शाइनी आहूजा। अभिनेता शाइनी आहूजा को आप फिल्म भूल भुलैया के लिए जानते होंगे, जिन्हें लगभग 21 फिल्मों में अभिनय करते हुए देखा गया, लेकिन साल 2009 का साल इनके लिए काफी निराशा भरा रहा। बता दें कि साल 2009 में अभिनेता शाइनी आहूजा पर इनके घर में काम करने वाली नौकरानी ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे, जिसके चलते शाइनी आहूजा को धारा 376 और 506 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था, और इनके इस हादसे ने इनके पूरे करियर को तबाह करके रख दिया, जिसके चलते ना तो ये अपने घर वालों को मुंह दिखाने के लायक रहे थे और ना ही कोई इन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करना चाहता था। हालांकि इन्होंने साल 2015 में आई फिल्म वेलकम बैक फिल्म से इंडस्ट्री में कमबैक करने की कोशिश की, लेकिन इस फिल्म में भी इन्हें कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। नंबर फाइव, अक्षय खन्ना। जी हाँ, आपको जानकर बेहद हैरानगी होगी कि हलचल और हमराज जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में नजर आए अभिनेता अक्षय खन्ना एक्टिंग से ज्यादा पढ़ाई में माहिर थे और इसलिए इनके पिता चाहते थे कि ये बैंकिंग लाइन में अपना प्रोफेशन बनाएं। लेकिन अक्षय खन्ना ने अपने पापा की इस बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए फिल्म इंडस्ट्री को अपना करियर चुना, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में इनका सिक्का कुछ खास नहीं चला, जिसके चलते आज ये अपने पापा की बात को ना मानकर खूब पछता रहे हैं। हालांकि वो बात अलग है कि लंबे समय के बाद इन्हें साल 2019 में आई फिल्म सेक्शन 375 में अभिनय करते हुए देखा गया। नंबर सिक्स, फरदीन खान। अभिनेता फरदीन खान हे बेबी और नो एंट्री जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर में तकरीबन 33 फिल्मों में काम किया, लेकिन बता दें कि अभिनेता फरदीन खान के पिता फिरोज खान नहीं चाहते थे कि फरदीन खान एक्टिंग की दुनिया में अपना कदम रखे,
क्योंकि फिरोज खान फिल्म इंडस्ट्री की हर बात से वाकिफ थे और वो जानती थी कि फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन फरदीन खान ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया और निकल पड़े एक्टिंग की दुनिया में अपना करियर बनाने। लेकिन अभिनेता फरदीन खान फिल्म इंडस्ट्री में वो नाम नहीं कमा पाए जो कि उनके पिता ने कमाया था, जिसके लिए आज भी बेहद शर्मिंदा हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री के इन चुनिंदा अभिनेताओं के बारे में? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी चटपटी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।